हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे O2 यम ओरल सस्पेंशन के बारे में जो 60 ml में आती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल में बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें ये जो O2 यम ओरल सस्पेंशन है इसके क्या कंपोजिशन है। दोस्तों इसमें 2 साल का कंपोजिशन है ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल ओरल सस्पेंशन। ये 60 ml में आती है जो छोटे बच्चों में यूज की जाती है। बात कर लेते हैं इसे डॉक्टर किन किन समस्या में बच्चे को देते हैं। दोस्तों ये जो O2 यम ओरल सस्पेंशन है ये एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया और पैरासाइट से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया और जो परजीवी होते हैं उसे मारकर उन्हें बढ़ने से रोककर काम करता है। दोस्तों छोटे बच्चों में डायरिया, दस्त, लूज मोशन या पतला दस्त पानी की तरह आ रहा है तो उस कंडीशन में इस O2 यम ओरल सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इस दवा के यूज करने से। इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका डोज जो है वो डॉक्टर बच्चे की एज, वेट और उसका कंडीशन देखकर ही डोज के बारे में बता सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ही बच्चे में इसका यूज करेंगे। दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो 62 rupees का प्राइस है जो 60 ml में आती है, जिसे आप किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों इसे बच्चे बड़े आसानी से पी लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों वैसे साइड इफ़ेक्ट दिखता नहीं, फिर भी आप जानकारी के लिए बता दें, दस्त बढ़ सकता है या शरीर में एलर्जी हो सकते हैं या और अन्य कोई समस्या दिखाई दे तो इसका इस्तेमाल बंद करके तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों घबराए नहीं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपको नॉलेज के लिए है, आपकी जानकारी के लिए, इसलिए वीडियो को देखकर दवा का यूज ना करें। यदि करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नए नए मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल मेडिसिन नॉलेज फर्स्ट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।